हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी गर्भवती महिलाओं के ये डाउट हैं कि पेट पर जो रेखा बनती है वो क्या संकेत करती है, क्या इशारा करती है, क्या बताती है। काफ़ी महिलाओं की लाइट बनती है तो काफ़ी महिलाओं की बहुत ज़्यादा गहरी काली बनती है। तो आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पे होने वाला है। ये जो लाइन बनती है पेट में, ये बनती क्यों है, इसके रीज़न क्या है और कब ये सही होती है, तो सारा कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। पूरा ध्यान से वीडियो देखेंगी, समझेगी तो आपके 100% आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत खुशी मिलती है। और इसी तरह की डेली हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा महीना, दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है तो ये जो नाभि रेखा होती है ये काफ़ी नज़र भी आने लगती है। काफ़ी महिलाओं के दूसरी तिमाही में नज़र आती है तो काफ़ी महिलाओं के तीसरी तिमाही में नज़र आती है। अब काफ़ी महिलाओं के टेढ़ी बनती है तो काफ़ी महिलाओं की एकदम सीधी बनती है और काफ़ी महिलाओं की एकदम लाइट और काफ़ी गर्भवती महिलाओं की एकदम डार्क गहरे कलर की बनती है। तो आइए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये बनती क्यों है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो ये पहले ही बनी होती है, ये जो रेखा होती है हर एक इंसान के पेट पर बनी होती है। अब जो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके भी पहले ही जन्म से ही बनी होती है, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है और जब आगे आगे आपकी गर्भावस्था बढ़ती है तो हार्मोन्स की वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा मतलब दिखाई देने लगती है, यानी कि जो नाभि रेखा है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लगती है। और डार्क क्यों होती है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। डार्क इसलिए होती है कि अगर आपकी बॉडी में मेलानिन नाम के हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है। जैसे कि नाभि रेखा आपकी हल्की सी पहले ही काली थी तो वो जो नाभि रेखा है जिसे हम लीनिया नाइग्रा भी बोलते हैं और प्रेगनेंसी लाइन भी बोलते हैं, तो ये जो लीनिया नाइग्रा होती है वो काली हो जाती है मेलानिन नाम के हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से। तो यही इसका रीज़न है। तो जन्म से ही बनी होती है, जैसे टेढ़ी आपकी बनी है तो टेढ़ी ही नज़र आएगी, लेकिन वो डार्क होने लगती है, हार्मोन्स की वजह से डार्क होने लगती है। अब काफ़ी बार आपने ये सुना होगा कि डार्क है तो लड़का होगा, डार्क नहीं है तो लड़की होगी, सीधी है तो लड़का होगा, टेढ़ी है तो लड़की होगी, जबकि इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ऐसा क्यों होता है। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है जो कि डिलीवरी के बाद एकदम नॉर्मल हो जाती है। और जिन महिलाओं के बॉडी के अंदर मेलानिन नाम के हार्मोन्स की मात्रा कम रहती है, ना के बराबर रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, तो उन महिलाओं की जो नाभि रेखा होती है ना, जो लीनिया नाइग्रा होती है, उसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता है, लाइट ही रहती है। तो यही इसका रीज़न है। तो आई होप आप सभी के डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नाभि जो रेखा है जिसे हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं और प्रेगनेंसी लाइन भी बोलते हैं, तो ये आपकी पेट पर कैसी नज़र आ रही है, आप लोगों के पेट पर कैसी नज़र आ रही है, टेढ़ी है, सीधी है, डार्क है या फिर बहुत ज़्यादा काली है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।